बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है ऐलान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकती है। और आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में होने हैं। ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, एक तो कोरोना काल, ऐसे में विधानसभा चुनाव, आज तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। पूजा, आपको बता दें, तकरीबन 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हो जाएगा कि जो 5 स्टेट में चुनाव होने हैं वो किस किस तारीख को चुनाव होंगे, काउंटिंग किस तारीख को होगा। इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी तमाम राज्यों की स्थिति का जायजा लिया है, बात की है वहाँ के DGP, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, और वहाँ के हालात को जानने की कोशिश की है। और जैसा कि बताया जा रहा है, इस ये जो चुनाव होने वाला है, हालांकि वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन अब तक की जो खबरें हैं, तकरीबन 6 से 8 चरण में चुनाव होने हैं। जो बड़े स्टेट हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का जो चरण है वो तकरीबन 6 से 8 चरण के बीच में होना है, जहां जो छोटे स्टेट है वहाँ 3 से 4 चरण में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश करेगा कमीशन। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ी जवाबदेही ये भी है कि इस कोरोना काल में कैसे संक्रमण से बचते हुए मतदाताओं को, या यूं कहें जो मतदान कर्मी है उन्हें बचाते हुए चुनाव को संपन्न कराना भी एक बड़ी जवाबदेही और बड़ी जिम्मेवारी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास एक लंबा अनुभव रहा है, आपको याद होगा पिछले बार कोरोना काल में ही बंगाल का चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव हो, दोनों जगह कोरोना काल में ही चुनाव हुए और इस दौरान काफी सफलतापूर्वक चुनाव हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है वो बड़ा खतरनाक है। आप देखे होंगे पिछले बार जब बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जब कोरोना की जो रिपोर्ट आई उसमें बड़ी संख्या में कोरोना विस्फोट हुआ। हालांकि अभी का जो पीक आवर कहा जा रहा है, अभी जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा कोरोना की रफ्तार बढ़ेगी। वैसे में चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सरकार का जो फैसला है और चुनाव आयोग का जो फैसला है उसे मानना होगा। हालांकि चुनाव आयोग एक बात जरूर कहता है कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, हम सबको मालूम है, हम सबके सामने चुनाव हुए हैं कि चुनाव के दौरान कितने कोरोना गाइडलाइन का पालन होता है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रैलियां होंगी। हालांकि इस इलेक्शन कमीशन जो कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली पर फोकस करने की बात हो सकता है इलेक्शन कमीशन करे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो खतरनाक स्थिति हो सकती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, और उसमें ये 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और ऐसे में आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर सकती है। और आज ये भी माना जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि कोरोना काल के बीच चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान रखना जरूरी होगा। RPF सासाराम पुलिस ने फर्जी आईडी पर टिकट बनाने के मामले पर कैमूर जिले के मोहनिया से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास